झांसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर एक गैंग द्वारा जालसाजी कर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए थे, जिसका झांसी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम काफी समय से जांच पड़ताल कर रही थी, जिसमें आज सुबह 5 अभियुक्तों को नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम करण सिंह निवासी उल्दन जिला झांसी, दीपक सिंह निवासी मालथौन जिला सागर मध्य प्रदेश, मानस त्रिवेदी निवासी चंद्रा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, हृदय कुमार निवासी गांधीनगर जिला महोबा और भूपेंद्र प्रजापति निवासी ग्राम मसौरा कला जिला ललितपुर है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ 14 अक्टूबर को वीर सिंह नाम के शिकायतकर्ता ने नवाबाद थाने में तहरीर दी थी कि मेडिकल कॉलेज में सरकारी कोटे के एडमिशन के नाम पर उससे रुपए लिया गया है। इसी मामले में बीते वर्ष सितंबर माह में बी ईश्वरा रेड्डी ने भी ठगी के मामले में नवाबाद थाने में तहरीर दी थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 37,600 रुपये, 15 मोबाइल्स व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे कई वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से नोएडा में माइंड मूवर नाम से एक ऑफिस चलाते हैं, जहां से वह नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का डाटा एकत्रित करके उन्हें टेलीकॉलर के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को बुलाकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में सरकारी कोटे से एडमिशन दिलाने की बात करके उनसे 20 लाख रुपए तक की मांग करते थे। मेडिकल कॉलेज में चर्म रोग विभाग की ओपीडी बंद हो जाने के बाद यह लोग वहाँ अभिभावकों को बुलाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस की तरह ही कागजात फिंगरप्रिंट आदि एकत्रित कर लेते थे। इस तरह उन्होंने कुल 16 व्यक्तियों को अपना निशाना बनाया है। साथ ही अभियुक्तों ने बताया कि कुछ लोगों से उन्होंने अपने खातों में ऑनलाइन पैसा जमा कराया है और कुछ से नकद लिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि गिरोह में करीब 10 अभियुक्त हैं, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। मुझे और SSP झांसी को ये गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में फर्जी भर्ती के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और ऐसे बहुत से मामले हैं। मेरे और SSP झांसी के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें DIG ऑफिस के हमारे उपनिरीक्षकगण और जनपद झांसी के थानाध्यक्ष और उपनिरीक्षकगण की टीम बनाई गई और इन्होंने काफ़ी प्रयास करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके जो है कब्जे से 37,600 रुपये बरामद हुए हैं, 15 मोबाइल बरामद हुए हैं और बैंक के हमारे जो है पासबुक और बाकी सब जो है विजिटिंग कार्ड, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी थी, उसमें जो पूछताछ हम लोगों ने किया है, पांचों जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ से ये पता चला है कि ये यहाँ पर 16 लोगों को जो अब तक ठगी का शिकार बना चुके हैं। लगभग 1,60,00,000 रुपए उनसे फर्जी भर्ती कराने के नाम पर, MBBS में भर्ती कराने के नाम पर महारानी लक्ष्मीबाई में ये वसूल चुके हैं। और हमारी टीम इस समय नोएडा दिल्ली में वहाँ पर कार्य कर रही है, बाकी भी हम बरामदगी बहुत जल्दी करेंगे। शेष अभियुक्तों के भी 4-5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है, उसमें भी हमारी टीम लगी हुई है। झांसी से मनीष अली के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।